ठीक है, एक राउंड और ले लो। ठीक है, आ जाओ। अभी कहाँ पे दर्द लग रहा है? सर हल्का इधर है, यहाँ रहता है, यहाँ सबसे ज्यादा रहता है, नीचे सबसे ज्यादा दर्द रहता है। कितने दिन से है दर्द लगभग? ये सर हल्का फुल्का दर्द फरवरी से स्टार्ट हुआ। फरवरी से दर्द स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और पता चला जैसे यहाँ मेडिसिन दिए तो खा रहे थे तो आराम लग रहा था, फिर वैसे चालू हो जा रहा था। अच्छा, मैं गांव गया, फिर ऑर्थो वाले से मतलब एक्सरे उक्सरे कराया, वो यहाँ का एक्सरे कर दिया, बोले थोड़ा नसूस है, बेल्ट बांधू, मैंने बेल्ट नहीं लिया। फिर यहाँ आया और अपने झील मिल गया तो वहाँ बताया कि सर काफ़ी दिन से मतलब फरवरी से दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार कूल्हे का एक्सरे कराओ। ठीक है, ठीक ठीक है। तो कूल्हे का एक्सरे कराया तो उनको लगा, उन्होंने MRI कराया, फिर बड़े डॉक्टर के पास भेजे MRI। बाहर कराया था, बाहर से लाया दिखाया तो बोले कि थोड़ा हड्डी दब गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद होने का कारण। ठीक है, ठीक, हल्का सा दबा है, 2 मंथ का दवा खाओ, अगर सही हो जाएगा तो हिप रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे थे हमारा वाला? हाँ सर। कितने दिन किया? अभी सर 10 दिन। 10 दिन से किया, उससे क्या फ़र्क रहा? काफ़ी फर्क, उससे फ़र्क आया था। हाँ, और जो आपसे बोला था कि घुटने में और तलवे में काफ़ी दर्द हो, दूसरा भी एक्सरसाइज किए तो हल्का तलवे में भी मतलब नरम, उसमें भी आराम मिला था। चलो ठीक है। अच्छा, रात को सोते समय दर्द होता है? करवट बदलते समय पैर चलाते? करवट नहीं बदलते, लेकिन दर्द एठन टाइप का होता है। होता है? और चेयर से उठने बैठने में दर्द होता है? काफ़ी नहीं दर्द होता है, जैसे ऐसे झुकूंगा ना बैठ के थोड़ा हल्का यहाँ पे महसूस होता है बस। अच्छा अच्छा। और उठने बैठने बेड से कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, जैसे सुबह उठता हूँ थोड़ा हल्का मुल्का मतलब दर्द महसूस हो, उसके बाद ठीक। अब जैसे चल रहा हूँ वैसे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं साथ में कितना चल जाता है। आ जाओ। सही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, एक राउंड और ले लो। ठीक है, तो कैसा फील कर रहे हो अभी? अच्छा फील कर रहा। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा? सर पेन हल्का हो गया, कम से कम 30% पेन बचा हुआ है बस। अच्छा, और चलने में थोड़ा नीचे दर्द था, हल्का हल्का रात में थोड़ा दर्द करता है बस। अच्छा, मतलब 70% रिलीफ हो गया, 30% बचा है ना, और काफ़ी हद तक आराम। अच्छा, रात का सोने उठने बैठने में, चेयर से उठने बैठने में दिक्कत नहीं? हल्का सा एकदम, हल्का सा। अभी तो पहली सीटिंग हुआ है, तो सेटिस्फाइड हो ट्रीटमेंट से? ओके सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन AVN एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, AVN की सीरीज़ में एक पेशेंट और है जो कि हमारे पास कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे। और अच्छा, बिहार के रहने वाले हो और दिल्ली से आए थे, ठीक है। आपका नाम है सोनू। तो सोनू जी को AVN की समस्या थी, कब और कैसे हुई, क्या हुई, ये पूरा डिटेल से आपको बताएंगे और फिर आज इनको थेरेपी के बाद कैसा रिजल्ट रहा वो भी बताएंगे। तो सोनू जी बताइए, कब से स्टार्ट हुआ आपका ये AVN? सर ये मेरा फरवरी से स्टार्ट हुआ पेन। मैं डॉक्टर के पास गया, कुछ मेडिसिन दिया 15 दिन के लिए, उसमें भी मैंने कुछ खाया और कुछ नहीं खाया। और उसके बाद जब मैं गाँव गया था तो ऑर्थो से दिखाया, एक्सरे उक्सरे किए, उसमें इंजेक्शन उक्शन दिया, लेकिन काफ़ी आराम नहीं था। फिर मैं आया, फिर दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला एक एक्सरे कराओ कूल्हे की, और फिर एक्सरे में निकला, फिर MRI हुआ, उसमें पता चला कि आप मेरा AVN 3rd grade है। ठीक है। और मैं यहाँ आया, सर का नंबर से पता चला यूट्यूब से, उसके बाद मैं यहाँ आया, थ्रोपी लिया, मेरा काफ़ी हल्का हो गया, 70% सही है पेन। ठीक है। रात को सोने उठने बैठने वाले दर्द? सोने में भी बहुत सारा डिफिकल्ट आया है, मतलब हल्का बच गया, रिलैक्स आया, रिलैक्स हो गया मैं। ओके, काफ़ी सही ढंग से चल भी रहा हूँ, लैंपिंग भी नहीं है मेरा। और फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा। चाल की स्पीड भी बढ़ गई है? चाल की सही है स्पीड, लैंपिंग भी कम है। ठीक है। तो दूसरे और भी जो AVN के पेशेंट है, खास जो भी हो AVN का पेशेंट, सर से पास कॉन्टेक्ट करें और यहाँ आए। पहले सर के पास एक बार आप ट्राई करो, फिर आप
इसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, उससे समझ में आ जाएगा कि ट्रीटमेंट क्या है और कैसे किया जाता है, कितना फायदा है। आइए, अच्छा है, इस सर के पास आप लोग आइए, जो भी एवियन पेशेंट है एक बार यहाँ आप ट्राई जरूर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे सोनू जी और आपने इनके विचार सुने और काफ़ी हद तक इनको आराम मिल गया है और बहुत ही अच्छी काफ़ी फर्स्ट सीटिंग में सर बहुत काफ़ी आराम मिले, काफ़ी आराम मिल गया आपको। थर्ड ग्रेड है फिर? हाँ, थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड वालों को, और आपने देखा होगा यहाँ पे और भी जितने भी एवियन पेशेंट लगभग सबको मिलता है। हाँ, शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको नहीं मिलता, मगर लगभग सबको मिलता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। किसी किसी का फर्स्ट में रेफरेंस मिल जाता है और किसी का सेकंड में भी मिलता है। हाँ, बॉडी के अनुसार सबको आराम मिलता है यहाँ से, लेकिन अच्छा बेस्ट। थैंक यू सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।